वेलकम अगेन एवरीवन चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है हमसे ये क्वेश्चन नंबर सेवन है एनसीईआरटी पेज नंबर वन ट्वेंटी एट का तो क्वेश्चन पहले समझ लो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक आठ हज़ार के जी का इंजन पांच वैगन से कनेक्टेड है ये पूरा का पूरा ट्रेन है वैगन जो डिब्बे होते हैं ना ट्रेन में उसे कहते हैं हम तो ये इंजन आठ हज़ार के जी का है और हर एक वैगन दो हज़ार के जी का है तो ये इंजन इस पांच वेगन्स को खींचता है विद अ फोर्स ऑफ फोर्स गिवेन है हमें विद अ फोर्स ऑफ फोर्टी थाउजेंड न्यूटन इतना फोर्स लगाकर ये इंजन सारे डिब्बे को खींचता है मतलब इतना फोर्स लगा रहा है इंजन सारे डिब्बे पे और ट्रेन देखो जिधर ये एरो है ट्रेन इधर मूव कर रही है ठीक है यहाँ पे और गिवन है कि फ्रिक्शनल फोर्स है 5000 न्यूटन सो so, हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है अगर मोशन इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से पीछे की तरफ ये रहा आई होप आपको दिख रहा होगा ये ये है फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ जो ट्रेन का जो व्हील्स है जो चक्का है ये ट्रेन के पटरी से कॉन्टैक्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से ये फ्रिक्शनल फोर्स पाँच हज़ार न्यूटन का लग रहा है ट्रेन पे ये सब गिवन है आपको क्या क्या फाइंड करना है ज़रा ये देख लो यू हैव टू फाइंड द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स किस एक्सेलरेशन से या फिर किस फोर्स से ये ट्रेन आगे जा रहा है नेट फोर्स आपको निकालना है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स का मतलब होता है आपको एफ़ नेट निकालना है ठीक है ये सब हम कर चुके हैं एफ़ नेट निकालना हम सीख चुके हैं ये जो लेक्चर चल रहा है ये फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का चल रहा है तो आप लेक्चर नंबर वन और टू जाकर देख सकते हो अगर आपको नेट फोर्स निकालना नहीं आता है तो देखो यहाँ पे हम नेट फोर्स निकालेंगे कितना नेट फोर्स लग रहा है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स मतलब कितने फोर्स के साथ ये आगे जा रहा है तो आगे की तरफ लग रहा है चालीस हजार न्यूटन पीछे की तरफ लग रहा है पांच हजार न्यूटन तो सिंपली हम नेट फोर्स इस तरह निकाल सकते हैं एफ नेट आपको पता है नेट फोर्स फोर्स एक वेक्टर क्वान्टिटी होता है तो अगर हम एफ नेट निकालते हैं तो जो भी फोर्सेज आपको दिख रहा है सारे फोर्सेज को सिंपली ऐड करेंगे हम वैक्टर वैक्टोरियली एड करेंगे एफ प्लस एफ ठीक है हम यहाँ पे एक काम करते हैं पहले वाले फोर्स को एफ वन ले, ले लेते हैं F1 वन प्लस सेकेंड फोर्स को हम ले लेते हैं F2 ये हमारा F1 हो गया F1 वन इज इक्वल टू एफ एंड एफ टू इज इक्वल टू स्मॉल एफ ठीक है अब देखो वैक्टोरियली किस तरह ऐड करते हैं ये समझ लो अगर आपको नहीं पता है किस तरह ऐड करते हैं थोड़ा दो मिनट दो मिनट को मैं आपको समझा दूंगा देखिए अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में है और दूसरा फोर्स इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में तो वैक्टोरियली ऐड करने का मतलब होता है साइन के साथ ऐड करना इस फोर्स को पॉजिटिव लेकर ऐड करेंगे और इस फोर्स को नेगेटिव लेकर ऐड करेंगे या फिर तुम अपोजिट भी कर सकते हो अगर तुम इसे नेगेटिव मानना चाहते हो तो नेगेटिव तो मान लो बट इसके अपोजि जो फोर्स है उसे चेंज करके साइन चेंज करके ले लो ठीक है इस तरह लेंगे बाय कन्वेंशन हम अपने कन्वीनियंट से इसको हम पॉजिटिव ले, ले लेते हैं और इस फोर्स को हम नेगेटिव ले लेते हैं ये होता है वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्ससेज या वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स क्योंकि फोर्स वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इस डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव लेना है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को नेगेटिव लेना है ठीक है बताइएगा F1 का डायरेक्शन बताइए F1 का डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो 40,000 न्यूटन पॉजिटिव रखेंगे 40,000 न्यूटन अब F2 का डायरेक्शन देखो F2 का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में एफ के ऑपोजिट है वो तो फाइव न्यूटन नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा फाइव न्यूटन अब देखो फोर्टी न्यूटन माइनस न्यूटन तो नेट फोर्स आ गया थर्टी न्यूटन ये आपका आंसर हो गया मतलब नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स लग रहा है थर्टी फाइव थाउजेंड न्यूटन पे कौन लगा रहा है इंजन लगा रहा है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन सो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ हमें पता है दैट एक्सेलरेशन होता है इफ नेट अपॉन मास यहाँ पे जो मास है वो टोटल मास है ठीक है एक्सेलेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन मास ये चीज़ भी मैंने आपको समझाया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो कि ये किस तरह से ये फॉर्मूला आता है एक्चुअली में जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू एम ए ये है एफ इज इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकंड लॉ अब यहाँ पे कौन सा फोर्स है यह है नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ठीक है और ये मास कौन सा है टोटल मास ठीक है और यह एक्सेलेशन कौन सा है एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन के साथ नेट एक्सेलरेशन ऐसे भी हम कहेंगे नेट एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ कि मान लो ये जो ट्रेन है ये चार मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे मूव कर रहा है तो इसके साथ ये सारा डब्बा भी तो कनेक्टेड है ना अगर ये चार मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है तो ये भी उसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा ये भी उसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा ये भी ये भी और ये भी मतलब सबका एक कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा वो मतलब होता है इसका अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये चीज़ डेप्थ में अगर आप ऊपर ऊपर समझना चाहते हो तो आप डायरेक्टली बना सकते हो एफ इजिकल टू एम लेकर के लेकिन आप डेप्थ में अगर समझना चाहते हो तो एक्चुअल मीनिंग ये है ए नेट ठीक है इज इक्वल टू एफ नेट बाई मास चलो देखते हैं एक्सेलरेशन हमें पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन एफ नेट हम निकाल चुके हैं क्या देखो निकाल चुके हैं हम थर्टी फाइव थाउजेंड न्यूटन डिवाइडेड बाई मास मास क्या होगा देखो टोटल मास है क्या पूरे ट्रेन uh, का टोटल मास क्या है यह आठ हज़ार यह दो हज़ार दो हज़ार दो हज़ार दो हज़ार सब को तुम ऐड करो आठ दो दस बारह फोर्टीन सिक्सटीन एंड एटीन तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक मिनट यस yes, आ जाएगा एटीन यस एटीन थाउजेंड एटीन थाउजेंड यहाँ से ज़ीरो कट गया जीरो कट गया जीरो कट गया तो आंसर आ गया थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई एटीन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर तुम इसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करके लिखना चाहते हो तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लो आंसर लगभग वन पॉइंट नाइन फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा वन पॉइंट नाइन फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समझ गए तो आपको याद रखना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का हर एक टर्म न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो एक एक्सप्रेशन है उसका हर एक टर्म का मतलब क्या है यह मास है टोटल मास पूरे ट्रेन का मास ठीक है क्योंकि हम एक्सेलेशन निकाल रहे हैं अब चलो नेक्स्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन देखो फोर्स ऑफ वैगन वन ऑन वैगन टू जरा ट्रेन को देखो पूरे फिगर को देखो फोर्स ऑफ वैगन वन मतलब क्या हुआ इसका कि फोर्स ऑफ वैगन वन ऑन वैगन टू वैगन टू पे वेगन वन कितना फोर्स लगा रहा है आपको इस पर निकालना है ये कितना फ़ोर्स लगा रहा है इस पर यह निकालना है आपको तो इसको कैसे करेंगे ज़रा इसे समझो सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल ठीक है एक एग्ज़ाम्पल इससे पहले समझ लो इसको समझना और आसान हो जाएगा आपके लिए सपोज़ ये एक ग्राउंड है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कोई पत्थर है चट्टान है पत्थर है ठीक है या समझ लो माउंटेन है अब इस माउंटेन का मास है मान लो एक हज़ार के जी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इसको समझने की कोशिश करो ठीक है नहीं तो ये क्वेश्चन में फँसोगे ये समझ नहीं आएगा ये बहुत बड़ा स्टोन है इसका मास है एक हज़ार के जी और यहाँ पर तुम खड़े हो बहुत ही छोटा सा कोई इंसान है तुम नहीं मान लो कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है और ये इंसान इस छोटा सा पत्थर को अपने हाथ से पुश करने का कोशिश कर रहा है ठीक है ये इधर इसे फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर ही इज़ अप्लाइंग अ फोर्स ठीक है तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि कितना फोर्स लगा रहा है तो तुम करोगे क्या बताओ फोर्स क्या होता है F इज इक्वल टू एम इन टू ए यही होता है ना F इज़ इक्वल टू एम इन टू ए कितना फोर्स इसे लगाना पड़ रहा है जरा ध्यान से सोचो तुम करोगे क्या मान लो तुम इसको पुश करके मूव करा देते हो एन एक्सेलरेशन ऑफ वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतने एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है ये हो गया एक्सेलरेशन और तुम इसमें फ़ोर्स लगा रहे हो तो तुम फोर्स निकालने के लिए इस स्टोन पे तुम कितना फोर्स लगा रहे हो तो स्टोन का फोर्स निकालने के लिए तुम किसका मास लोगे अपना मास लोगे या, या स्टोन का मास लोगे तुम्हारा मास है थर्टी के जी चलो बताओ अब अगर ये चीज़ तुम समझ गए तो ये आंसर तुम कर सकते हो तुम इस स्टोन को मूव कर रहे हो पुश कर रहे हो बट ये स्टोन एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करने लगा और इसका मास है एक हज़ार के जी तो यहाँ पे कितना फोर्स लगा रहे हो उसके लिए हम मास किसका रखेंगे अपना मास रखेंगे स्टोन का मास रखेंगे स्टोन का मास रखेंगे वेरी गुड तो यहाँ पर हम रखेंगे स्टोन का मास एक हज़ार कितना आ जाएगा वन न्यूटन अब जरा यहां पर आओ हमसे पूछा जा रहा है कि यह वेगन वेगन टू पे कितना फोर्स लगा रहा है ये वैगन वैगन टू पे कितना फोर्स लगा रहा है आप देखो ये सब वैगन वन वैगन टू वैगन थ्री से कनेक्टेड है वैगन थ्री वैगन फोर से कनेक्टेड और वैगन फोर वैगन फाइव से कनेक्टेड है तो सब आपस में कनेक्टेड है तो आप देख लो कि ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा सबसे पहले आपको मास देखना पड़ेगा इस पूरे सिस्टम का मास क्योंकि ये जब इसे खींचेगा तो ये भी कनेक्टेड है ये भी कनेक्टेड है ये भी कनेक्टेड है मतलब ये वैगन पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरे डब्बे को खींचेगा मतलब इस पूरा का मास हमें निकालना पड़ेगा पूरे सिस्टम का मास निकालना पड़ेगा अब पूरे सिस्टम का मास होगा क्या दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस समझ रहे हो इसका फोर्स निकालना ये कितना फोर्स लगा रहा है इस पे इन सारे पे तो आपको इन सब का मास निकालना पड़ेगा अब देखो यहां अब आप आपको समझ आ जाएगा रब कर रहे हैं इसे थर्ड क्वेश्चन तो फोर्स ऑन वेगन टू फोर्स ऑन वैगन टू ड्यू टू वैगन वन इसे इस तरह से लिखेंगे फोर्स ऑन वैगन टू ड्यू टू वैगन वन फोर्स ऑन वैगन टू ड्यू टू वैगन वन तो फोर्स कितना आ जाएगा देखो एफ टू वन इज इक्वल टू मास इं टू मास इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पे हम मास किसका रखते थे अभी मैंने आपको समझाया मास हम रखते हैं यहाँ पे टोटल मास टोटल मास देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक वन टू थ्री फोर फोर इं टू इज फोर इंटू टू थाउजेंड ठीक है एक का एक वेगन का मास है 2000 और टोटल चार वेगन से यहाँ पे एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है मतलब अगर तुम देखो देखना चाहो तो ये डब्बे का एक्सेलरेशन इस पार्ट का एक्सेलरेशन ये पीछे जो चार डब्बे हैं इसका एक्सेलरेशन वही होगा जो इसका है जो इसका है मतलब एक कॉमन एक्सेलरेशन इसका तो एक्सेलरेशन देखो हम निकाल चुके थे एक्सेलरेशन है थर्टी फाइव बाई एटीन सो दिस इज़ थर्टी फाइव बाई एटीन अब कैलकुलेट कर लो फोर टू ज़ार एट जीरो जीरो ज़ीरो इन टू थर्टी फाइव बाई एटीन सो यह आ जाएगा वन फाइव फाइव टू ज़ीरो न्यूटन